प्रत्यक्षा किरण अम्मा की बातों को न मानते हुए जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखने लगी कि तभी पीछे से किसी ने उसकी हाथों की रस्सी को जोरों से खींचते हुए उसे रोक लिया। प्रत्यक्षा किसी बंधे हुए जानवर की तरह महसूस कर रही थी जिसको किसी ने कसकर पकड़ रखा था। प्रत्यक्षा ने जैसे ही पलट कर पीछे देखा तो पाया कि उसके हाथों में बंधी रस्सी जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी उस पर किसी ने पैर रखा हुआ था। प्रत्यक्षा ने जैसे ही पैरों पर से नजर ऊपर की ओर उठाई उसके होश उड़ गए क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि रुद्र खड़ा हुआ था। क्यों, ये तो उस गांव का है ना? हाँ ये वही है। हे भगवान, इका यहाँ नहीं आना चाहिए था। रुद्र को देखकर बाकी सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे क्योंकि रुद्र इस गांव का नहीं था बल्कि दूसरे गांव का था। रुद्र को देखते ही किरण हवेली के सभी लोग गुस्से में आग बबूला हो गए थे। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझ जैसे कुत्तों को इस गांव में आने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। यहाँ जानवरों का प्रवेश निषेध है, निकल यहाँ से। रुद्र खामोशी से खड़े होकर उन सबको देख रहा था। इस पर किरण अम्मा ने प्रत्यक्षा के बड़े भाई को डांटते हुए उससे कहा, बकवास बंद करो और पंचायत लगवाओ। हमारी हवेली इन दोनों के कदमों से गंदी हो रही है, गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करवाओ रे। इससे पहले कि कुछ हो सकता रुद्र ने रस्सी को जमीन से उठाकर अपने हाथों में पकड़ लिया और रस्सी को धीरे धीरे लपेटने लगा। इस पर प्रत्यक्षा के हाथों की रस्सी खींचते ही प्रत्यक्षा लड़खड़ाती हुई रुद्र के पास पहुंच गई। रुद्र के चेहरे पर एक तीखी सी मुस्कुराहट थी। बाबा, बाबा मुझे बचाइए, बाबा मुझे अंदर आने दीजिए, कम से कम आज तो कुछ कहिए बाबा। प्रत्यक्षा की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद भी सबके हाथ पूरी तरह से बंधे थे, लेकिन ऐसा क्यों था ये प्रत्यक्षा भी बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। पांच प्रधानों को जब बुला ही रहे हो तो अब मैं भी वहीं मिलूंगा, देखते हैं कि ये खेल तमाशा कब तक चलेगा। रुद्र प्रत्यक्षा के हाथों की रस्सी को जोर से खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। प्रत्यक्षा खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी कि वो रुद्र के साथ न जाए, लेकिन रस्सी खींचने पर प्रत्यक्षा भी उस रस्सी के साथ साथ खींचती जा रही थी। प्रत्यक्षा खुद को रोकने की कोशिश में जमीन पर लड़खड़ा कर गिर गई। इस पर रुद्र ने गुस्से में पीछे की तरफ पलट कर देखा और प्रत्यक्षा को उठाते हुए उसके घालों को अपने हाथों में दबोच लिया। प्रत्यक्षा के परिवार के सामने रुद्र उसके साथ बदसलूकी कर रहा था। रुद्र के हाथ में प्रत्यक्षा की गर्दन थी। जबरदस्ती मत करो, शायद तुम नहीं चाहोगे कि यहाँ तुम्हारा तमाशा बने। पंचायत हवेली के ठीक पास में थी जहाँ एक बड़ा सा पेड़ था और चबूतरे पर 5 कुर्सियों के साथ एक और अलग से कुर्सी पड़ी हुई थी जहाँ पर किरण अम्मा सभी 5 पंचों की मुखिया बनकर बैठी थी। किरण अम्मा के हुक्म देने के तुरंत बाद सारे ही प्रधान वहाँ पर मौजूद हो गए थे और धीरे धीरे गांव की भीड़ भी मौजूद होने लगी थी। कुछ ही देर में किरण अम्मा और देवेंद्र देव भी पंचायत में पहुँच गए। चारों तरफ कानाफूसी थी और साथ ही साथ एक डर का माहौल था क्योंकि बात ठाकुर खानदान की बेटी की थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गांव का हर एक घर खाली होकर पंचायत में भीड़ जमा करके खड़ा हुआ था और उसी भीड़ को चीरते हुए रुद्र प्रत्यक्षा के हाथों को खींचते हुए उसे ले जाकर पंचायत के बीचों बीच खड़ा हो गया। सबकी नजर प्रत्यक्षा और रुद्र पर टिकी हुई थी। रुद्र ने अपने हाथों में प्रत्यक्षा के हाथों की बंधी हुई रस्सी को लपेट रखा था और प्रत्यक्षा किसी कैदी की तरह हाथों को बांधे हुए सबकी तरफ डरी हुई नजरों से देख रही थी। रुद्र को वहां देखकर सरपंचों में से एक सरपंच ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम इस गांव के नहीं हो, तुम लोगों को यहाँ आना वर्जित है, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गाँव में पैर भी रखने की और हमारी बेटी के साथ बदसुलूकी करने की। उस सरपंच के सवाल के बाद वहाँ चारों तरफ सवालों की मटकी ही मानो फूट सी गई। सबके सब रुद्र से चिल्लाते चिल्लाते पूछने लगे कि उसने आखिर इस गांव में कदम क्यों रखा, लेकिन रुद्र के एक जवाब ने सबकी बोलती पूरी तरह बंद कर दी। जो मेरा है उसे लेने आया हूँ, गलती से मेरी एक चीज इस गांव में आ गई जिसके लिए तुम सबने सभा भी लगा दी, तो बस वही लेने आया हूँ। वैसे तुम सब ये सब जल्दी खत्म करो क्योंकि मुझे और भी काम निपटाने हैं। रुद्र का इशारा किस तरफ था सबको साफ समझ आने लगा था। किरण अम्मा ने पंचायत को शुरू करते हुए प्रत्यक्षा से कहा, अरे लड़की तुम बताओ क्या हुआ था। इससे पहले कि प्रत्यक्षा कुछ बोले रुद्र ने प्रत्यक्षा से बेहद दबी आवाज में कहा,
लड़की मेरी बात को गांठ बांध लो, अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना। लेकिन प्रत्यक्षा ने रुद्र की बातों को नजरअंदाज करते हुए किरण अम्मा और पंचायत में खड़े लोगों के सामने रोते हुए चिल्ला कर कहा, मैं घर के जश्न में थी कि मुझे किसी ने अगवा कर लिया, मुझे एक बाजार में ले गया, वहाँ मेरी बोली लगाई जा रही थी, मुझे बेचा जा रहा था, मेरी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया और इसने मेरी सबसे ऊंची कीमत लगाकर मुझे खरीद लिया। बाबा, मेरी बोली लगाई गई वहाँ, मैं कोई जानवर नहीं थी कि मेरी कीमत लगाई गई और मुझे खरीदा जाए। मैं जीती जागती इंसान हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है बाबा, दादी, मुझे नहीं बल्कि इन सबको सजा मिलनी चाहिए, ऐसे बाजारों को बंद करना चाहिए जहाँ इंसानों की खरीदारी की जाती हो। बाजार की बातें सुनते ही सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे और वापस से सभी पूरी भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। प्रत्यक्षा को देखकर साफ नजर आ रहा था कि उसके साथ हद से ज्यादा गलत हो चुका था। उस बाजार में शरीफ लोग नहीं जाते थे, भीड़ में हलचल तो थी लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई भी प्रत्यक्षा के लिए कुछ बोले, क्योंकि वो खुद ठाकुर देवेंद्र देव की बेटी थी। यहाँ तक कि पांच प्रधानों में भी सन्नाटा ही फैला हुआ था, क्योंकि देवेंद्र और किरण अम्मा के घर के मामले को सुलझाया जा रहा था। किसी ने भी कुछ बोलना सही नहीं समझा, लेकिन प्रत्यक्षा को लेकर सबके मन में हजारों सवाल थे और इन सारे सवालों को ठाकुर देवेंद्र और किरण अम्मा समझ सकते थे। लोग अब देखना ये चाह रहे थे कि किरण अम्मा अपने घर की बेटी के मामले को किस तरह से सुलझाने वाली थी। अगर तू अगवा की गई थी और तुझे खरीदा बेचा गया तो तेरे बदन पे ये शादी का जोड़ा का कर रहा है, और तेरे पीछे खड़े इस इंसान ने आखिर ये काहे कहा कि वो अपनी चीज लेने आया है। किरण अम्मा की बात का जवाब प्रत्यक्षा से पहले रुद्र ने देते हुए कहा, क्योंकि इस लड़की को मैंने खरीदा है और मुझे लगता है जिस चीज की कीमत अदा की जाए वो चीज आपकी हो जाती है, इसीलिए ये लड़की जो आपके सामने खड़ी है ये मेरी है। सभी लोग रुद्र को और प्रत्यक्षा को देखकर बातें बनाने लगे थे, क्योंकि ठाकुर परिवार की लड़की एक बेहद बुरी हालत में सबके सामने खड़ी थी, वो भी इज्जत गवाकर। लेकिन मामला अब बदलने लगा था। अब एक लड़की इस तरह से खड़ी थी जैसे उसने सबके सामने झूठ बोला हो। लोगों में बातें बनना शुरू हो गई थी, लोग आपस में बातें करने लगे थे कि शायद ये लड़की अपनी मर्जी से घर से भागी थी और अब अपने रिश्ते को छुपाते हुए सबके सामने झूठ बोलकर वापस अपने घर आ गई हो। अरे झूठ बोल रही है लड़की, छोरे के साथ भाग गई होगी ये। अरे गाँव में लोगों पर क्या असर पड़ेगा जब पंचों की बेटी ही गुल खिलाएंगी। मुझे तो लगता है प्रत्यक्षा बिटिया में ही खोट है। अरे शादी का जोड़ा पहना हुआ है तो अपनी मर्जी से शादी करी होगी ना। कोई सबूत है कि तुम्हें अगवा किया गया हो या तुम्हें खरीदा या बेचा गया? काहे कि तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हें बेचा गया था, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अपनी मर्जी से घर से भागी हो और शादी करने के बाद इरादा बदल दिया। बोलो यही सच है ना? अब वापस घर आना चाहती हो तुम? तुम जैसी लड़कियां समाज पर धब्बा है जो अपनी मर्जी पूरी करने के लिए घर की इज्जत को दांव पर लगाती है और वापस शरीफ बनने का नाटक करती है। प्रत्यक्षा अभी तक दुखी थी लेकिन अब उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसका ही परिवार उसके लिए इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था और साथ ही उसकी बात को बिना सुने ही उस पर वो इल्जाम लगा रहा था जो उसने कभी किया ही नहीं था। उसकी बात को समझने के बजाय उसे खुद गलत करार दिया जा रहा था। इससे पहले कि प्रत्यक्षा कुछ भी बोले, रुद्र ने एक बार फिर से दबे शब्दों में प्रत्यक्षा से कहा, अपने मुंह पर लगाम लगा लड़की, वरना अंजाम बेहद बुरा होगा। तू नहीं जानती कि तू खुद ही अपनी चिता में आग लगा रही है। रुद्र के धमकाने पर प्रत्यक्षा ने जवाब देते हुए कहा, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, और बुरा अंजाम तो अब तुम्हारा होगा। जब मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे अगवा किया गया है, बेचा गया है, खरीदा गया है, मेरी इज्जत लूटी गई है, तो मैं क्यों ना बोलूं? इस आदमी ने जबरदस्ती मेरे साथ शादी की। मैं आप सबसे इंसाफ मांगती हूँ, पंचायत का काम है इंसाफ दिलाना,
तो फिर मुझे इंसाफ दिलाए। प्रत्यक्षा के ऐसा बोलने पर चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। ये बताओ बिटिया, किसने की तुमसे शादी? प्रत्यक्षा रुद्र की तरफ इशारा करते हुए सरपंचों से गिड़गिड़ाने लगी। इसे सजा दीजिए, इस इंसान ने जिसने मुझे आप सबके सामने जानवर की तरह बांध रखा है, इसी ने मेरी इज्जत लूटी और फिर शादी की। प्रत्यक्षा की बात सुनकर जहां एक तरफ भीड़ में हलचल मची हुई थी, वहीं सरपंच आपस में चर्चा करने लगे थे। वहीं प्रत्यक्षा अभी भी चुपचाप दो दिन की भूखी प्यासी बेबस होकर इंसाफ की उम्मीद लगाए खड़ी थी। उधर किरण अम्मा ने फैसला पूरी तरह से पंचायत के पंच प्रधानों पर छोड़ दिया था और फिर सरपंच वहां खड़ी भीड़ से कहने लगा, गांव वालों अब सब शांत हो जाइए। तो मामला यह था कि गांव की एक जवान बिटिया दो दिन से घर से गायब थी और अचानक से ही देखो शादी के जोड़े में दिख रही है। ये देखो इसको, ये लड़के की हालत देखकर बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ होगा इसके साथ। और अब नए मामले सामने आए कि इसको अगवा किया गया था, इसका बेचना खरीदना हुआ होगा और अब शादीशुदा भी है। तो अब फैसला ले लिया गया है और फैसला ये है कि ये दुश्मन गांव का आया हुआ लड़का जो लड़की के पीछे खड़ा है उसने ही से शादी की होगी और इसी को खरीदा भी होगा। और अब हम सब चाहते हैं कि फैसला होने से पहले प्रत्यक्षा अचानक ही जमीन पर गिर गई। कमजोरी और धूप की वजह से प्रत्यक्षा चक्कर खाकर जमीन पर बेसुध सी पड़ी थी। प्रत्यक्षा काफी घंटे बेहोश रही लेकिन उसे अब होश आने लग गया था। जैसे ही उसने आंखें खोलनी चाहिए उसके सिर में जोर का दर्द शुरू हो गया। प्रत्यक्षा को शायद किसी ने सहारा दिया हुआ था लेकिन उसके कानों में कुछ आवाज सी पड़ रही थी। प्रत्यक्षा की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उससे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन प्रत्यक्षा एक झटके के साथ अचानक से होश में आई लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। जजमान, आप कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। प्रत्यक्षा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसने पाया वो शादी के मंडप के पास बैठी हुई थी। उसने जैसे ही सर उठाकर देखा उसकी रूह कांप गई। उसके सर पर चुनरी पड़ी हुई थी, हाथ अभी भी बंधे हुए थे, साथ ही उसके सर पर पड़ी चुनरी का गठबंधन हुआ था। प्रत्यक्षा को संभाल कर उसकी भाभी बैठी हुई थी। जब प्रत्यक्षा छटपटाने लगी तो भाभी हितिका ने रोती हुई आवाज में धीरे से कहा, बिटिया ऐसा ना करो, अब कुछ नहीं हो सकता। इस लड़की के हाथ पैर जरा ढंग से पकड़ के रखना, इस बार उड़ने ना पाए। प्रत्यक्षा ने देखा कि दो हाथ बढ़ते हुए प्रत्यक्षा के गले की तरफ मंगलसूत्र लेकर आ रहे थे। प्रत्यक्षा ने अपनी आंखों को जोर से बंद किया और खुद को उस मंगलसूत्र से दूर करते हुए खींचातानी शुरू कर दी। लेकिन कमजोर प्रत्यक्षा कितनी देर तक छटपटाती। और फिर उन हाथों ने प्रत्यक्षा को जोर से पकड़ा और जबरदस्ती ही उसके गले में मंगलसूत्र बांध दिया। अब ब्याह की अंतिम विधि पूरी की जाएगी। सिंदूर को अपनी अनामिका उंगली से उठाइए और कन्या की मांग में भरिए। प्रत्यक्षा छटपटाई जा रही थी और साथ ही चिल्लाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि तभी प्रत्यक्षा के घूंघट को उठाते हुए एक हाथ आगे बढ़ा। प्रत्यक्षा अपनी घबराई हुई नम आंखों से उस हाथ को देख रही थी और फिर एक चुटकी सिंदूर को उसकी मांग में लगाया गया। प्रत्यक्षा अब जान चुकी थी कि यह किसी रिश्ते की नहीं बल्कि अनर्थ की शुरुआत है। प्रत्यक्षा की मांग जिसने भरी थी वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र था। पंचों के आदेश पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के साथ बेहोशी की हालत में एक बार फिर शादी की। जिस इंसान ने उसकी इज्जत लूटी थी उसी से प्रत्यक्षा का रिश्ता जोड़ा गया था। प्रत्यक्षा एकदम से शांत हो गई, जैसे किसी सदमे में चली गई हो। उसके परिवार ने उसे मुजरिम समझकर दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। तभी प्रत्यक्षा को पंडित जी की आवाज आई और वो सदमे से होश में आई। ब्याह संपन्न हुआ, आज से ये दोनों पति पत्नी हुए, दोनों ही ठाकुर परिवार, अब एक दूसरे के साथ रिश्ते में जुड़े हैं और संबंधी हो गए हैं। कोई जरूरत नहीं हमारे आशीर्वाद की, हमारा काम था न्याय दिलाना और सजा देना, दोनों ही काम पूरे हुए। इस इज्जतदार गांव में इज्जत को ही ऊपर रखा जाता है, इस लड़की की तो इज्जत अब रही नहीं, इसको ससुराल वाले लेकर जा सकते हैं। जब रुद्र आगे बढ़ा
तो उसका दुपट्टा फंस गया। इससे उसके कदम रुक गए और उसने पीछे मुड़कर प्रत्यक्षा की तरफ देखा। प्रत्यक्षा चुपचाप खड़ी थी। कुछ रिश्ते दुनिया की नजरों में रिश्ते होते हैं, लेकिन असल में ऐसी जंजीर बन जाते हैं जिससे सिर्फ दम घुटता है और लोग अपनी जान तक गवा देते हैं। हितिका रुद्र की बात सुनकर बुरी तरह से घबरा गई, क्योंकि वो जानती थी कि प्रत्यक्षा का रिश्ता आखिर किस खानदान में जोड़ा था। शादी के बाद विदाई की रस्म हुई, लेकिन प्रत्यक्षा को विदा करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। रुद्र गुस्से में प्रत्यक्षा को गोद में उठाकर आगे बढ़ रहा था। रुद्र की जीप सामने खड़ी थी। रुद्र ने उसमें प्रत्यक्षा को बैठा दिया और फिर वहीं से उसे लेकर निकल गया। प्रत्यक्षा खुद में इतनी उलझी हुई बैठी थी कि उसे किसी बात का होश नहीं था। तभी जीप रुकी और रुद्र नीचे उतरा और बिना प्रत्यक्षा को जीप से उतारे आगे बढ़ गया कि तभी एक भारी भरकम जोरदार आवाज ने रुद्र के कदमों को रोक दिया। नई बहुरिया ला रहे हो? हमारे नारायण महल की चौखट को अकेले न लांघो। गृह प्रवेश होगा पहले, खड़े रहो चुपचाप वहीं। प्रत्यक्षा के कानों में ये सभी बातें पहुंच रही थी, लेकिन वो अभी भी सहमी हुई थी। इस पर रुद्र गुस्से में वापस आया और उसने प्रत्यक्षा के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अब से इतना ध्यान रखना कि अपने कान आंख खुले रखना और मुंह हमेशा के लिए बंद रखना। अब जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसा वैसा करती रहो। प्रत्यक्षा बस लाश की तरह वहां मौजूद थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो कहीं और ही खोई हुई थी। वहीं चौखट पर ठीक सामने ठाकुर परिवार के मुखिया ठाकुर नारायण सिंह चौहान, जिन्हें रुद्र के गांव के लोग बाबा साहब कहकर बुलाते थे। अरे भाई, बहुरिया के स्वागत की तैयारियां करो, रसम पूरी करनी है कि नहीं? हुक्म मिलते ही नौकरों ने जल्द से जल्द इंतजाम किया। एक कलश रखा गया जिसमें चावल के दानों को भर के फूलों से सजाया गया। लाल रंग से भरी हुई एक थाली रखी गई जिसमें से चलकर प्रत्यक्षा को गृह प्रवेश करना था, लेकिन कमजोरी के कारण उसके पैर जमीन पर मजबूती से नहीं पड़ रहे थे। रुद्र ने जैसे ही प्रत्यक्षा को जमीन पर उतारा, प्रत्यक्षा वापस से लड़खड़ा गई। लगता है मरी हुई चिड़िया जैसी हमारी बहुरिया, सहारा दो अपनी दुल्हन को। प्रत्यक्षा वापस से लड़खड़ा गई। सभी लोग प्रत्यक्षा का इंतजार कर रहे थे कि कब प्रत्यक्षा अपने पांव से कलश को गिराकर महल में कदम रखेगी, लेकिन प्रत्यक्षा खामोश खड़ी थी। इस पर रुद्र ने आंखें फैलाते हुए प्रत्यक्षा पर जोर से चिल्लाया। तुम्हें समझ नहीं आता क्या करना है? अपने कदम आगे बढ़ाओ और कलश गिराओ। रुद्र ने प्रत्यक्षा की कमर को जोरों से पकड़ा और प्रत्यक्षा के पांव को कलश पे मार दिया। अंधी और बहरी हो गई हो क्या, जो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है? प्रत्यक्षा डरी हुई सी लाल रंग में रंगे हुए कदमों के साथ घर में प्रवेश कर रही थी। बाबा साहब इस नजारे को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। उन्होंने अपने नौकरों से कहा, ए, तुम लोग अपना काम कर दिए हो ना, किए कि नहीं जो हमने बोला था? हाँ मालिक, जैसा बताया आपने वैसा ही किया है। ए रुद्रा, ऊपर जा कमरे में बहुरिया को लेकर, थक गई होगी बेचारी। रुद्र ने ऐसा ही किया। वो प्रत्यक्षा को एक कमरे में लेकर गया। कमरा पूरी तरह से सजा हुआ था, लेकिन रुद्र गुस्से में आगे बढ़ा और प्रत्यक्षा को सजे हुए बेड पर जोर से फेंकते हुए प्रत्यक्षा से दांत पीसते हुए कहने लगा, तो आज सुहागरात है हमारी, जानती हो ना तुम ये? प्रत्यक्षा सुहागरात शब्द सुनते ही खुद को संभालते हुए बेड पर सिमट सी गई। रुद्र बेड पर धीरे से चढ़ते हुए प्रत्यक्षा को गुस्से में घूर रहा था। उसने प्रत्यक्षा का एक पैर पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए उसे अपने करीब कर लिया। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।